नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। मध्य प्रदेश गुना संसदीय क्षेत्र के काबर बमोरी गांव में बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया आदिवासी महिला जानकी बाई के घर भोजन करने पहुंचे। ज्योतिरादित्य जनजातीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए बमोरी पहुंचे थे। इसी दौरान जब सिंधिया भोजन करने के लिए बैठे तो जिला पंचायत सदस्य राजकुमारी सहरिया भी उनके साथ खाना खाने बैठ गई। इसी बीच समर्थक पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा, महाराज राजकुमारी पहले सूखी साखी और दुबली पतली सी थी, लेकिन जिला पंचायत में आने के बाद बदल गई। जवाब में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजकुमारी सहरिया से ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर जिला पंचायत सदस्य राजकुमारी सहरिया शर्मा गई। सिंधिया ने कहा, क्या हो गया राजकुमारी तुम्हें, देखो गायत्री कैसी है। सिंधिया ने पास में बैठी गायत्री भील जो कि जनपद पंचायत अध्यक्ष है बमोरी की, इनकी ओर इशारा करते हुए कहा। शर्म के कारण राजकुमारी सहरिया ने भोजन नहीं किया। तभी सिंधिया दोबारा बोल पड़े, लो ना राजकुमारी, अब इतना शर्माओ मत। महेंद्र ने कह दिया, आपका वजन बढ़ गया है तो आप खाना नहीं खा रही। सिंधिया के पास में जानकी बाई सहरिया नाम की महिला घूंघट करके बैठी थी जिसे सिंधिया ने अपने हाथों से भोजन खिलाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोजन में पकाई गई दाल बाल्टी की रेसिपी भी पूछी।